पिछले साल प्रवासी मजदूरों की मदद करते हुए पूरे देश में एक रियल लाइफ हीरो के रूप में सामने आए सोनू सूद हाल ही में कोरोना वायरस के संक्रमण से उभरे हैं। जरूरतमंदों की मदद के लिए हर पल तैयार खड़े रहने वाले सोनू सूद अपने बड़े दिल के चलते हर तरफ चर्चाओं में रहते हैं। अब उन्होंने कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए एक नया तरीका खोज लिया है। जी हाँ, इस बार उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है। कोरोना से लड़ने के लिए ये एक ऐसा तरीका साबित हो सकता है जो कई लोगों के लिए वरदान बन सकता है। दरअसल उन्होंने ये चैनल इसलिए क्रिएट किया ताकि सब चीजों की जानकारी लोगों को एक जगह ही मिल सके। इसकी लॉन्चिंग की जानकारी सोनू ने खुद शनिवार को ट्विटर पर दी है। चैनल का लिंक शेयर करते हुए सोनू ने बताया कि उन्होंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप चैनल बनाया है जिसके जरिए वे देश भर में जरूरतमंद लोगों को हॉस्पिटल में बेड, मेडिसिन और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में ज्यादा मदद कर सकेंगे। उन्होंने ट्वीट कर देशवासियों से कोविड फोर्स ज्वाइन करने की अपील की है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, अब पूरा देश साथ आएगा, जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे इंडिया फाइट विद कोविड पर, हाथ से हाथ मिलाएंगे, देश को बचाएंगे। बता दें कि सोनू की इस नई पेशकश के बाद उनके चाहने वाले काफी खुश नजर आ रहे हैं और इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कोरोना से लड़ने के लिए उनकी कोशिशों की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर दिन उनके ट्वीट लोगों के बीच सुर्खियों में छाए रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कोरोना से जूझ रही एक लड़की को नागपुर से हैदराबाद एयरलिफ्ट कराया था और उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया था। बता दें कि इस लड़की के लंग्स वायरस की वजह से 85 से 90% तक इन्फेक्ट हो चुके थे। इसके अलावा हाल ही में सोनू ने बेड के लिए 6 दिनों से भटक रहे नागपुर के एक मजदूर की मदद की थी। दरअसल मदद के लिए रोशनी बुराड़े नाम की एक ट्विटर यूजर ने सोनू को टैग करते हुए एक पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, सोनू सूद मेरे पापा कोविड पॉजिटिव हैं। उन्हें बहुत जरूरत है वेंटिलेटर की, लेकिन पूरे नागपुर में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। सर प्लीज मदद कीजिए, मेरे पापा को बचा लीजिए। सोनू ने बिना देरी करते हुए उनकी मदद की। हालांकि इस दौरान सोनू खुद भी कोविड पॉजिटिव हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने से पहले इस जरूरतमंद इंसान को रखा। उन्होंने ट्वीट में जवाब लिखा था, आपके पापा को कुछ नहीं होने देंगे, 1 घंटे में पापा को वेंटिलेटर बेड मिल जाएगा। बता दें कि सोनू सूद ने 17 अप्रैल को अपने कोरोना पॉजिटिव होने की खबर फैंस के साथ शेयर की थी और खुद पॉजिटिव होने के बावजूद वो लोगों की लगातार मदद कर रहे थे। खास बात यह है कि एक्टर ने वायरस से संक्रमित होने के करीब 10 मिनट पहले ही वैक्सीन लगवाई थी और इसके बाद वो कोरोना की चपेट में आ गए। हालांकि 1 हफ्ते के अंदर ही उन्होंने कोरोना को मात दे दी थी। न्यूज़ तक ब्यूरो।